हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिर्स किचन। हियर इज द रेसिपी ऑफ स्पाइसी गार्लिक चटनी फॉर गुजराती ढोकला। बट उससे पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल बटन ऑन द राइट हैंड साइड। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बनाएंगे खट्टे ढोकले की चटनी। उसके लिए मैंने अराउंड 10 से 12 जितने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं और उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी जीरा, दैट इज 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है एंड हिंग वो मैंने 1/2 टीस्पून जितनी ऐड की है। अभी इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। देखिए, ऐसा थोड़ा मैंने ग्राइंड किया था। अभी इसमें मैंने एक टमाटर ऐड किया है। अभी इसको हम फिर से ग्राइंड करेंगे और थोड़ा ग्राइंड होने के बाद थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे। देखिए, ये मैंने थोड़ा ग्राइंड कर, अभी इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी इसकी स्मूथ पेस्ट रेडी करते हैं। ये थोड़ी लिक्विड चटनी होती है, सो पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए, ये स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुकी है। अभी इसका हम थोड़ा ऑयल लेके हिंग डाल के इसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो चुका है, उसमें मैं 1/2 टीस्पून जितनी हींग ऐड करूंगी। अभी उसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। अभी ये थोड़ी थिक है तो उसके लिए मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमें थोड़ा ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैं थोड़ा 1/2 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। देखिए, आपकी चटनी रेडी है। देखिए, हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। मैंने एक बोल में निकाल दिया है। इसको आप खट्टे ढोकले के साथ मजे से एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।